हर हीरो की जिंदगी में एक वो वक्त आता है जब उसकी फिल्में एक के बाद एक हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर होती है और फिर उसके बाद फ्लॉप। जी हाँ, अगर आप जीत रहे हैं तो हारना भी किस्मत में जरूर लिखा है। जीत मिलेगी तो हार भी मिलेगी। इसी तरह एक्टर का साथ होता है कि अगर आपकी फिल्में हिट हो रही हैं तो फ्लॉप भी होंगी। रवि तेजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक टाइम था जब उनकी फिल्में एक के बाद एक हिट सुपर हिट होती थी और फिर उसके बाद फ्लॉप होनी शुरू हो गई। ये वो वक्त होता है जब जरूरत होती है उस स्टार को कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने की, मतलब जिस तरह की फिल्में आप बना रहे हैं उनसे हटके कुछ अलग बनाने का। रवि तेजा ने भी ऐसा ही सोचा, कुछ अलग, कुछ हटके, एक ऐसा कंटेंट जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम यूज किया जाता है, वो है साइंस फिक्शन मूवीज का, जो ज्यादातर हॉलीवुड वाले यूज करते हैं। इसी तरह के एक कंटेंट के साथ रवि तेजा ने एक मूवी बनाई जो 2020 में आई है। तेलुगु सिनेमा की एक मूवी थी जिसका नाम था डिस्को राजा। पर घबराने की जरूरत नहीं है, तेलुगु की मूवी थी पर अब ये 2021 में हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है। तो कैसी मूवी है और जो एक्सपेरिमेंट रवि तेजा ने किया है उसमें किस हद तक सफल होते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक माइंड अली में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2020 में ये तेलुगु मूवी आई थी जिसका नाम था डिस्को राजा। ये एक साइंस फिक्शन मूवी थी पर आप इसको साइंस फिक्शन मूवी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें साइंस फिक्शन के साथ और भी बहुत तरह का जोनर डाला गया है। मतलब आप इसको एक कॉमेडी एक्शन भी बोल सकते हैं या आप इसको एक रोमांटिक ड्रामा भी बोल सकते हैं, आप इसको एक गैंगस्टर ड्रामा भी बोल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको बताता हूँ अभी धीरे धीरे करके। तो पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी में जो रवि तेजा ने रोल प्ले किया है वो किया है डबल रोल प्ले। एक होता है वासु नाम का कैरेक्टर जो काफी ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है, गरीबों का मसीहा भी बोल सकते हैं, पर अचानक से गायब हो जाता है। पूरे परिवार को उसकी तलाश है कि वासु कहाँ गया, कब तक आएगा, किसी को कुछ अता पता नहीं है। साथ ही कहानी में एक और कैरेक्टर है जिसकी शुरू में ही डेथ दिखा देते हैं, जिसको बुरी तरह से उसके दुश्मनों द्वारा मार दिया गया है। जी हाँ, ये कैरेक्टर भी रवि तेजा द्वारा ही प्ले किया गया है। अब कहानी में सबसे पहले आता है साइंस फिक्शन मोड, मतलब जब हमारी मूवी स्टार्ट होती है वो होती है साइंस फिक्शन मोड से, जो काफी सारी उम्मीदें जगा देती है। आप उसको देखकर एक हॉलीवुड फील लेना शुरू कर देते हो स्टार्ट से ही कि शायद मूवी उस रास्ते पर चल पड़ी है जिस रास्ते पर हॉलीवुड मूवीज चलती है। तो साइंस फिक्शन का ऐसा कौन सा कारनामा किया है उस बारे में बताता हूँ। ये जब दूसरा जो कैरेक्टर है, एक गैंगस्टर वाला जो कैरेक्टर है डिस्को राज नाम का, उसको उसके दुश्मन मार देते हैं और वो एक तरह से बर्फ के पहाड़ के अंदर दब जाता है। मतलब एक बर्फ का तूफान आता है उसमें उसकी लाश दब जाती है और लगभग 30 साल तक उसी के अंदर दबी रहती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये उसको वापस से जिंदा कर देते हैं। पर उसकी याददाश्त नहीं आ पाती है। धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आती है, फिर उसको पता चलता है कि कैसे उसको मारा गया था, किसने उसको मारा था, वो उनसे बदला लेता है। कहानी में जो दूसरा कैरेक्टर है वासु, जो उसका हमसकल है, उसका इससे क्या कनेक्शन है, दोनों की शक्लें इतनी सेम कैसे मिलती हैं, क्या दोनों भाई भाई हैं या दोनों के बीच कोई और रिश्ता है या कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ शक्लें ही मैच हो रही हैं, और इन दोनों की कहानी आपस में कैसे जुड़ती है, अगर इन सब सवालों के जवाब आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। अब बताता हूँ ओवरऑल मूवी मुझको कैसी लगी है, क्योंकि अगर ज्यादा रिवील करूंगा तो मूवी में देखने लायक कुछ बचेगा नहीं। देखिए, मूवी शुरू में स्टार्ट हो रही है एक साइंस फिक्शन साइंटिफिक ड्रामा से, पर अगर बात करें कि ये पूरी साइंस फिक्शन मूवी है तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ जो शुरू में सीन दिखाया गया है, जो लैब दिखाई गई है जहां से रवि तेजा को वापस से जिंदा किया जाता है, सिर्फ एक वहीं पर साइंस फिक्शन टच है, बाकी पूरी मूवी में कहीं नहीं है। पहली बात तो ये मुझको सही नहीं लगी क्योंकि इस शुरू वाले सीन को देखकर हमारी उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि शायद मूवी काफी अच्छी चलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही दोबारा से जिंदा होता है रवि तेजा, उसके बाद फिर वही इसकी रोमांटिक स्टोरी चल जाती है। जो डॉक्टर्स इसको ठीक करते हैं उनमें एक लेडी डॉक्टर है, उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए। फिर कहानी पहुंच जाती है 1980 के टाइम में, मतलब कैसे मरा था कैसे नहीं मरा था, वहां पे कुछ रोमांटिक स्टोरी और कैसे इसका गैंगस्टर्स के साथ पंगा हुआ, ये सारी कहानी, मतलब यहाँ से कहानी मोड़ ले लेती है एक रोमांटिक ड्रामा का, उसके बाद फिर गैंगस्टर ड्रामा का। बीच बीच में वासु की कहानी दिखाते रहते हैं, उसके परिवार की कहानी दिखाते हैं, जब जब उसके परिवार के किस्से चलते हैं तो कहानी पहुंच जाती है एक फैमिली ड्रामा में। बात करूं मूवी के फर्स्ट हाफ की, तो मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा बोर करता है। शुरू की जो 10 से 15 मिनट है वो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट जगाती है, जब आप एक साइंस फिक्शन टच मूवी के अंदर देखते हैं कि शायद मूवी हॉलीवुड लेवल के करीब पहुंचने वाली है, पर उसके तुरंत बाद
वही रोमांटिक ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा जोड़ रहा है जो लगभग हर हमें साउथ मूवीज के अंदर देखने को मिल जाता है। मूवी का जो सेकंड हाफ है वो काफी एक उत्साह जगाता है, जो मूवी की फर्स्ट हाफ में कसर रह गई है उसको भरने की कोशिश करता है और काफी हद तक सफल भी साबित होता है, क्योंकि जितने ट्विस्ट, जितने टर्न और जितना सस्पेंस मूवी के अंदर है वो सब आपको सेकंड पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको ऐसा भी फील होगा कि मूवी स्टार्ट ही वहां से हुई है, सेकंड हाफ से ही, क्योंकि पहला जो हाफ है वो काफी हद तक बोर ही करता है, पर सेकंड हाफ में काफी ज्यादा सस्पेंस डाला गया है, काफी ज्यादा थ्रिल डाला गया है। और जब इसका जो रवि तेजा का जो डिस्को राजा नाम वाला कैरेक्टर है, जब उसके बारे में रिवील करते हैं तो मूवी में एक जान आती है, मूवी काफी हद तक अपने आप को वापस से कवर कर लेती है, क्योंकि फर्स्ट हाफ से सिर्फ ऐसा लगता है कि मूवी जैसे बिखरती जा रही है, पर जैसे सेकंड हाफ स्टार्ट होगा मूवी एक तरह से संवरना शुरू हो जाएगी और फिर उसके अंदर एक ऐसा सस्पेंस, ऐसा थ्रिल आता है कि मूवी आपको बांध लेती है, फिर आपको उठने नहीं देगी आपकी सीट से। बात करूं अगर रवि तेजा की, तो उन्होंने जो कमबैक किया है, जबरदस्त कमबैक किया है, जबरदस्त एक्शन, जबरदस्त कॉमेडी और एक डबल रोल जो प्ले किया है वो भी काफी अच्छा प्ले किया है। अब जैसे ये एक साइंटिफिक बताया मैंने शुरू में, एक साइंटिफिक टच डाला गया है मूवी के अंदर, उसमें काफी इलॉजिकल चीजें आपको देखने को मिलेगी जिनका कोई सरपैर नहीं है। अब आप खुद सोचिए, कोई बंदा 30 साल तक बर्फ के अंदर दबा रहा, चलिए मान लेते हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मर गया था बंदा, उसको जिंदा कर दिया, कुछ आविष्कार किया होगा, पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसकी कुछ शोध, कुछ रिसर्च तो दिखानी चाहिए ना, कुछ नहीं दिखाया गया है। लास्ट को सीधा लैब के अंदर ले जाएंगे और 5 मिनट नहीं लगेगी बंदे को एकदम ठीक कर देंगे। हॉलीवुड वाले जैसे दिखाते हैं ना, पूरी एक तरह से रिसर्च दिखाती है कि उन्होंने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है तो उसके पीछे कितनी मेहनत की है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया पूरी मूवी के अंदर भी। चलिए मान लेते हैं कोई जादू की झप्पी लगाई होगी, कोई छड़ी घुमाई, उनको मरे से वापस जिंदा कर दिया, पर एक बात बताइए, अगर लास्ट 30 साल तक बर्फ के अंदर दबी रहेगी तो क्या उसकी उम्र उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देगी? मूवी में दिखाया गया है कि बंदे की उम्र 30 साल बढ़ चुकी है, पर सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है जैसा वो 30 साल पहले दिखता था। अब ये बात सर के ऊपर से निकल जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहानी में इस तरह की काफी इलॉजिकल चीजें हैं जो थोड़ी बेसर पैर की हैं, अगर आप इनको अवॉइड करोगे तो मूवी के सेकंड हाफ से आप एक जबरदस्त मूवी का एंजॉय कर पाओगे, पर अगर आप अपने माइंड में ये चीजें बिठा लोगे कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो मूवी फिर आपको गौर कर सकती है। ओवरऑल मूवी की बात करूं तो एक तरह से बेहतरीन कमबैक है रवि तेजा का, क्योंकि जिस तरह से उनकी मूवी एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी उसको देखे तो एक जबरदस्त कमबैक किया है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो एक बार आपको मूवी जरूर देखनी चाहिए। अगर बात करूं रेटिंग की तो मेरी तरफ से मूवी को 5 में से 3 स्टार। पहला स्टार मूवी का वो जाएगा रवि तेजा की बेहतरीन एक्टिंग के लिए, जो उन्होंने वापस एक जबरदस्त कमबैक किया है उसके लिए। दूसरा स्टार वो जाएगा मूवी के सेकंड हाफ के लिए, जो पूरी तरह से फर्स्ट हाफ की जितनी कमी है उसको कवर करके मूवी को वापस से पटरी पर ले आता है। अगर तीसरे स्टार की बात करूं तो वो जाएगा जबरदस्त सस्पेंस थ्रिल के लिए, और खासकर मूवी का जो क्लाइमैक्स है उसके लिए, क्योंकि क्लाइमैक्स में जबरदस्त सस्पेंस डाला गया है जिसकी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन तो मुझको तो नहीं थी और उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल नहीं होगी। जो क्लाइमैक्स है वो एकदम से आपको सरप्राइज कर देगा। अब बात करूं अगर नेगेटिव की, तो पहला स्टार जो कटेगा वो कटेगा मूवी के फर्स्ट हाफ के लिए जो बिल्कुल बोर करता है, और दूसरा स्टार जो कटेगा वो कटेगा मूवी के अलग अलग जोनर के लिए। एक मूवी के अंदर इतने सारे जोनर डाल दिए गए हैं और मूवी को पूरी तरह से कोई भी जोनर कंप्लीट नहीं कर पाता है, या ये कहें मूवी किसी जोनर को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाती, एंड तक लेकर नहीं चल पाती, कई सारे जोनर है पर बीच में सबको छोड़ देते हैं। खैर ओवरऑल मूवी अच्छी, एक वन टाइम वॉच मूवी है, रवि तेजा के फैन है तो आप इसको एक बार जरूर देख सकते हैं, और अगर मेरे इस रिव्यू को देखने से पहले आपने पहले ही देख ली है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कैसी लगी। खैर इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।